Hi Angels, it's your life coach Marco Malmul, excited to be part of Northeast United FC family. Can't wait for the season to begin. I will see you all in Guwahati. सो गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैन के लिए एक बहुत ही बड़े बैड न्यूज़ है कि ये बैड न्यूज़ है कि ये जो एलेक्स एल्गेरिया को जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट बातचीत कर रहे थे और ऑफ़र भी दिया था, वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है एलेक्स एल्गेरिया ने। तो क्यों रिजेक्ट किया एलेक्स एल्गेरिया ने, ये रिजेक्ट क्यों किया हमें अभी तक नहीं पता चला। कि हमारे लिए ये एक बैड न्यूज़ ये है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने एक बहुत ही बड़ा अच्छा ला लीगन प्लेयर को ढूंढ लिया था, जो कि ऑफ़र भी किया था, लेकिन एलेक्स एल्गेरिया ने वो ऑफ़र को ठुकरा दिया। तो हमारे लिए ये बैड न्यूज़ है। तो और एक गुड न्यूज़ है जो कि हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो एनी से अभी बात कर रही है एक स्पेनिश प्लेयर जॉन गाजटंगा के ऊपर अभी नॉर्थ यूनाइटेड एफसी फिलहाल इंटरेस्ट दिखा रही है। तो क्या होता है आगे देखते हैं। जॉन गाजटंगा के पीछे पड़े थे ISL के फुल टीम जो कि थे जमशेदपुर एफसी और इमामी ईस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। अभी ईस्ट बंगाल और जमशेदपुर से हार गए हैं और नॉर्थ ईस्ट के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। तो गाइस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जॉन गाजटंगा को साइन करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट निकल सकता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। तो मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है इसलिए आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करो और अच्छी अच्छी न्यूज़ देते रहते हो। एलेक्स एल्गेरिया को शोर हो भाई, तो दूसरा प्लेयर